गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल यह है कि प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है कि प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट टीवी रेडियो होर्डिंग्स एसएमएस ईमेलर्स आदि को ये देखता है, लेकिन आज जो युवा है वो सारा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे लेता है। तो मेरा सवाल ये है कि आदरणीय मंत्री जी से कि केंद्र सरकार क्या कर रही है कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और हम देखते हैं कि चुनाव के समय जिस प्रकार से मिसलीडिंग खबर आती है जिसमें कभी कभी समाज के दो धर्म के लोगों के बीच में भी तनाव फैलाती है, इस प्रकार के मिसलीडिंग न्यूज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं उसके लिए हमारी सरकार सोशल मीडिया पे क्या कदम ले रही है? धन्यवाद। ये इश्तेहारों के बारे में सवाल है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है कि फेक न्यूज हो या गलत इरादे से दिए हुए न्यूज हो वो एक अलग महत्वपूर्ण विषय है, उसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर टी आर परवीन सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप तो क्वेश्चन नंबर बोल दें फिर माननीय मंत्री जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। आप पूछिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर्स रिप्लाई। कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है, ये कानून है संविधान नियमन प्रक्रिया के अंदर। आपने खुद में पढ़ा, माननीय आप सीनियर सदस्य हैं, आप माननीय सीनियर सदस्य हैं, कोई भी कैबिनेट जी एक मिनट। प्रोफेसर स्वागत राय जी, देखिए देर इज ए प्रोसीजर, यू नो द प्रोसीजर बेटर। वो छुट्टी पे हैं, इन्होंने स्पीकर साहब से अनुमति ली है, स्पीकर साहब ने अलाउ किया है। यू आर चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्पीकर। देन ही इज ए कैबिनेट मिनिस्टर ही इज ए रिप्लाइंग। माननीय सदस्य, देर इज ए प्रोसीजर है कि कोई भी माननीय मंत्री महोदय जवाब दे सकता है। आप सीनियर